हेलो बच्चों, आज हम अव्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। अव्यय जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, उसी को हम अव्यय कहते हैं। जैसे लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर, इन सब के आधार पर जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी को हम अव्यय कहते हैं। तो अव्यय हमारे पांच प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और पांचवा हमारा है निपात। तो हम इसमें क्रिया विशेषण के बारे में देखेंगे। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता अर्थात उसकी रीति, ढंग, समय, स्थान एवं मात्रा का बोध कराए, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, यहाँ पर चलने की स्थिति कैसी है? धीरे धीरे। क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, दादाजी प्रतिदिन सैर करते हैं। तो दादाजी प्रतिदिन सैर करते हैं, तो दादाजी कब सैर करते हैं? तो हमारा आंसर आएगा प्रतिदिन। अब देखेंगे क्रिया विशेषण के कुछ अन्य भेद। तो क्रिया विशेषण के चार प्रमुख भेद हैं। क्रिया विशेषण के भेद में इसके चार प्रमुख भेद हैं। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में देखेंगे। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने की रीति, ढंग का पता चलता है, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसका पता कैसे, इसका पता कैसे लगाकर प्रश्न किया जा सकता है? तो यहाँ पर उदाहरण देखेंगे। जैसे हमारा घोड़े तेज दौड़ते हैं, तो यहाँ पर हम प्रश्न पूछेंगे घोड़े कैसे दौड़ते हैं? तो घोड़े तेज दौड़ते हैं। तो ये हमें पता चल रहा है, इसकी रीत के बारे में पता चल रहा है। और दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, बच्चों ने ध्यानपूर्वक पढ़ा। बच्चों ने कैसे पढ़ा? बच्चों ने ध्यानपूर्वक पढ़ा। कुछ विशेष शब्दों के बारे में देखेंगे। इनमें क्रिया कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है तथा उत्तर आने पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द प्राप्त होते हैं। तो कुछ अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं, जैसे अचानक, केवल, ऐसे, जरूर, ध्यान से, विनयपूर्वक, शांतिपूर्वक, सहज, चलते चलते, धीरे धीरे, जल्दी से, तेजी से आदि। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ शब्द हैं। ठीक है, आगे हमारा है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण में हम पढ़ेंगे कि जिन क्रियाओं से क्रिया के होने के समय का पता चलता है, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक शब्द से ही हमें पता चल जाता है कि यह समय को प्रदर्शित कर रहा है या दर्शा रहा है। ठीक है, आगे हमारा है, जैसे उदाहरण हम देखेंगे कि मजदूर पेड़ के नीचे दिन भर सोता है। अब मजदूर पेड़ के नीचे कब तक सोता है? हाँ, तो इसमें समय बता रहा है कि यह दिन भर सोता है, पूरा टाइम, दिन का पूरा टाइम ले लेता है, यानी कि दिन भर सोता है। तो हमें प्रतिदिन टहलना चाहिए। हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए? हमें प्रतिदिन टहलना चाहिए। ये भी हमें समय को दर्शा रहा है। आगे हमारा है विशेष में देखेंगे, इन वाक्यों की पहचान के लिए क्रिया पर कब, क्रिया पर कब लगाकर प्रश्न किया जाता है। कुछ अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं, जैसे आज, सदा, कल,
अभी अभी, पहले, तत्काल, हमेशा, नित्य, शीघ्र, फिर, बार, जब तक, लगातार, तुरंत, एकदम, बहुधा, आजकल, क्षण भर या साल भर आदि। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। आगे है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो अव्यय क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हमारा है, गांव में हरियाली चारों तरफ दिखाई देती है, तो गांव में चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है तो चारों तरफ हमारा क्या हो जाएगा, ये हमें स्थान के बारे में प्रदर्शित कर रहा है। रजत गली में यहाँ वहाँ घूमता रहता है, रजत यहाँ वहाँ, ये भी हमें स्थान का बोध करा रहा है। तो कुछ अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण, जैसे दूर, पास, साथ, भीतर, सामने, अंदर, बाहर, आगे, पीछे, इधर उधर, किधर, जहाँ, आसपास, नीचे, ऊपर, इस ओर, उस ओर आदि। अगला हमारा है, अब इसमें देखेंगे कि इस पे क्या लगा के हम जो है प्रश्न बना सकते हैं। तो इनकी पहचान के लिए क्रिया पर कब या कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है। स्थान को प्रदर्शित करना होता है तो हम कहाँ, क्वेश्चन में कहाँ लगाकर क्या करते हैं, उसके आंसर को ढूंढ लेते हैं। आगे है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें उदाहरण जैसे दिया है, बच्चों अब थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा शब्द आया, सीमांत बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत ज़्यादा आया, तो ये परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अगला विशेष में देखते हैं, इनकी पहचान के लिए क्रिया पर क्या लगाना है, कितना लगाकर प्रश्न किया जाता है। कुछ अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं, अति, खूब, अत्यंत, थोड़ा, सॉरी दिखाई नहीं दिया, अति, खूब, अत्यंत, थोड़ा, कम, कुछ, पर्याप्त, इतना, जितना, कितना, जरा सा, अत्यधिक आदि। हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को ये समझ में आया या नहीं, ठीक है बच्चों, ओके।